मैं डॉक्टर त्रिपाठी और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो एंड वी आर सपोज टू प्रूव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन CBSE में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस। वी आर गिवन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर नंबर वन। मान लीजिए कि ये नंबर वन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x माइनस ए टू द पावर 2 माइनस 1 और फिर x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ट्वाइस y माइनस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0 डिफरेंशिएशन ऑफ राइट साइड बीइंग अ कॉन्स्टेंट इज 0 सी स्क्वायर बीइंग अ कॉन्स्टेंट 0। इसी तरीके से a का 0 हुआ और b का डिफरेंशिएशन 0 हुआ इंप्लाइज twice x minus a plus twice y minus b dy by dx is equal to 0। अब हमें देखिए, आप यहां पर लिखा हुआ है 1 plus dy by dx square तो इसका मतलब है dy by dx की भी जरूरत होगी तो इसलिए dy by dx का वैल्यू निकालते हैं। dy by dx के वैल्यू के लिए सबसे पहले आप इसको इस साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ट्वाइस एक्स माइनस ए, फिर इसको आप नीचे भेज दीजिए अपॉन ट्वाइस वाई माइनस बी, टू टू कैंसिल, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये है डी वाई बाय डी एक्स। अब हमें निकालना है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर तो नेचुरली इस 2 को dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x तो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा d dx ऑफ dy by dx is equal to d dx of minus x minus a upon y minus b which implies differentiation of dy by dx is denoted by d2y by dx square exactly minus common y minus b whole square डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट वाई माइनस बी डी डी एक्स ऑफ दिस डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1, differentiation of a is 0 minus x minus a differentiation of this y dy by dx whole upon y minus b whole square। अब आप समझ गए होंगे कि dy by dx की value आप हमें 2 से रखनी होगी तो आइए इसको 2 से substitute कर देते हैं y minus b 1 माइनस 0 इज 1 नो नीड टू राइट इट अगेन माइनस एक्स माइनस ए
dy by dx का वैल्यू है माइनस टाइम्स, ब्रैकेट में लिखा माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन y माइनस b होल स्क्वायर, y माइनस b होल स्क्वायर। माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस a इंटू x माइनस a विल बिकम x माइनस a होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी d2y by dx स्क्वायर की, वो यहां लिखता हूं मैं, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, और एलसीएम लेंगे तो y माइनस b इंटू y माइनस b, y माइनस b होल स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस b, इसके इंटू में आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू, और देखिए माइनस टाइम्स y माइनस b होल स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख पाएंगे हम c स्क्वायर अपॉन y माइनस b होल क्यूब, y माइनस b होल क्यूब। ये c स्क्वायर कहां से आया, तो ये c स्क्वायर आया है फ्रॉम 1, तो ये d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस b होल क्यूब। इसको दे देते हैं नंबर 3, लेकिन अब हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y by dx स्क्वायर अ कांस्टेंट। तो ये जो सारी वैल्यूज है हमारे पास, इन सारी वैल्यूज को हम रख देंगे इस एक्सप्रेशन में। किस एक्सप्रेशन में, आइए देखते हैं। नाउ वन प्लस dy by dx square whole to the power 3/2 upon d2y by dx square is equal to, one plus dy by dx का वैल्यू, तो ये देखिए dy by dx का वैल्यू है माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन वैल्यू ऑफ d2y by dx स्क्वायर। तो d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू ये है माइनस c स्क्वायर होल अपॉन y माइनस b होल क्यूब। इसे रब कर देते हैं, और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस b होल क्यूब। यहां एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जैसे ही लेते हैं हम तो क्या आएगा ये देखते हैं। ये एलसीएम लेने से आपके पास आ जाएगा y माइनस b होल स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस b होल क्यूब। अब फिर वही बात, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है c स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा हमारे पास c स्क्वायर
upon y minus b whole square whole to the power 3 by 2 divided by minus c square upon y minus b whole cube. अब देखिए ये पूरे की पावर 3 by 2 है, तो इसको ऐसा लिख सकोगे आप c square to the power 3 by 2 upon y minus b square to the power 3 by 2, 2 cancel upon minus c square upon y minus b whole cube. तो अब हमारे पास जो ऊपर का न्यूमरेटर एक्सप्रेशन है वो ये है c cube upon y minus b cube divided by minus c square upon y minus b whole cube. कौन कौन किससे कैंसिल? y minus b whole cube, y minus b whole cube से कैंसिल, c square से कौन कैंसिल? c cube plus upon minus minus is equal to minus c. तो ये आ गया minus c which is a constant, जो कि क्या है? एक constant है and independent of a and b, क्योंकि final answer में आपने देखा कि a और b eliminate हो चुके हैं, केवल आपके पास minus c है which is a constant. तो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं. देखा आपने बहुत स्पेशल और टेक्निकल क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में कई बार आ चुका है और बड़ा ही डिमांडिंग क्वेश्चन है. इसको इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं और इसका रिजल्ट जो ये वाला रिजल्ट है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है. तो ऑब्जेक्टिव में भी अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो इस साल से सीबीएसई में आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे. और आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रेलेवेंट या आपके कोर्स से रेलेवेंट, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अगर कोई खास या स्पेशल बात आप तुरंत से पूछना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं 9685698056. तो इसी के साथ दोस्तों गुड लक, ऑल द बेस्ट.